तो हम इस समय प्रसिद्ध व सिद्ध पीठ देवकाली मंदिर, जिसका वर्णन पौराणिक स्थलों में होता है और ये प्राचीन ग्रंथों में भी इसका वर्णन है, मैं उस स्थान पर इस समय मौजूद हूँ। हमारे साथ इस मंदिर के महंत सुनील पाठक जी मौजूद हैं, तो हम इस स्थल के पौराणिक महत्व के बारे में हम इनसे जानेंगे और आप लोगों को इसकी जानकारी देंगे इस चैनल के माध्यम से। बताते हैं लोग कि भगवान राम का जब जन्म हुआ था, महारानी कौशल्या उनको दर्शन कराने यहाँ लाई थी, तो ये भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कुल देवी मानी गई है। सातवें अध्याय 11वें स्कंद में इसका विवरण दिया गया, त्रिगुणा। अच्छा, त्रिगुणा रजोगुण तपोगुण सतोगुण। त्रिगुणा मानी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, यहाँ महारानी विराजमान है और महारानी विराजमान है श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती। हमें संदेश देना चाहते हैं सबका महारानी, पूरे देश प्रदेश सबका कल्याण करें, सबको सुरक्षित रखें, सब स्वस्थ रहें और महारानी के दर्शन लाभ करके अपना लोग महारानी का भजन पूजन पाठ निरंतर करते रहे। जो सच्चे हृदय से महारानी के यहाँ आ गया, वो जो भी कहेगा महारानी उनको पूरा करेगी बिल्कुल। बहुत लोगों को जो है पुत्र रत्न नहीं हुआ था, महारानी के आने लगी उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुई, तमाम रोग ब्याज लोगों को हो गया था उससे मुक्ति लोगों को महारानी ने दिया, तमाम वो कल्याणमयी है। जगत जननी जगदम्ब का महामाया, जयंत्री मंगला काली भद्रकाली कृपालनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते, जय तुम देवी चामुंडे जय भूतारति हारिणी, जय सर्वगते देव काला नारायण नमस्ते, शरणागत नाथ प्रतांत प्राणी सर्वशात्र देवी नारायण नमस्ते, सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक समनुते भैव सहाय नव दुर्गे देवी नमस्ते, रोगान शेषान अपहान तुषा ऋष्या दुकामान सकलान भीषान तमाशता नाम नवपम नराणाम तमाशता नाम हास्ताम बने मई कल्याण करे सब। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक जी, न्यूज 12 चैनल से आपने बात किया, आपको के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई शुभकामना और नवरात्र की सर्दी नवरात्र की बहुत बधाई बधाई आपको, महारानी आपका आपका कल्याण करे, आपको स्वस्थ रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सिद्ध पीछे पौराणिक स्थल है, नवरात्र से पहले ही दिन से यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ लग जाती है जो पूरे 9 दिन तक चलती है। प्रांगण में कई छोटे छोटे मंदिर भी स्थापित किए गए हैं, आपको हम अभी दिखाते हैं। चलिए इधर आइए, इधर इधर इस मंदिर प्रांगण में छोटे छोटे मंदिर भी हैं। एक गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी का ये माँ गायत्री देवी का स्थान है। अष्टभुजी माँ का स्थान है, ये हनुमान जी का भी मूर्ति लगी हुई है, माँ अष्टभुजी
माँ बड़ी देव काली। शिव जी का शिवलिंग है मंदिर प्रांगण में, आप देख सकते हैं वीडियो में। काल भैरव का स्थान है ये। शनि देव का भी मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। बाल स्वरूप श्री राम दरबार है ऊपर, ये बाल स्वरूप श्री राम दरबार आप देख सकते हैं। बाल स्वरूप श्री राम जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित है। मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की संख्या सुबह से देर रात तक यूं ही लगी रहती है, आप वीडियो में देखें। यहाँ पे एक प्राचीन कुंड भी है, देवकाली मंदिर के सामने एक प्राचीन कुंड भी है जो बहुत पुराना है। यहाँ पर मेले जैसा माहौल बना रहता है नवरात्रि में, तमाम दुकानें भी लगी हुई हैं।